दूसरे के पड़ोसी थे। उनका नाम था मनु और धानु। दोनों की ही छोटी छोटी झोपड़ियां थीं बीच के सामने, जिसमें दोनों अपनी बीवियों के साथ रहते थे। दोनों ने ही अपने अपने छोटे से कमरे बनाए हुए थे। मनु गरीबी के कारण दुखी रहता था, अक्सर उन्हें भूखा रहना पड़ता था, इसीलिए हमेशा पूजा पाठ करता। एक दिन एक पेड़ के देवता उसकी पूजा से खुश हो गए और उसके पास आए। बताओ तुम्हें क्या चाहिए भले आदमी? ओ, ओ, ओ भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन जल्दी से बताओ तुम चाहते क्या हो? मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ भगवान। तथास्तु। सच में? लेकिन याद रहे, अमीरी इतनी आसानी से नहीं आती। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तुम्हारी अमीरी तुम्हें कैसे मिलेगी, उसे तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। ठीक है भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनु के बरामदे में बहुत लंबे लंबे नारियल के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन उसने इन पेड़ों के बारे में कभी ध्यान नहीं दिया था। जल्दी ही ये नारियल पकने वाले हैं, क्यों ना इस बार इन्हें तोड़कर बेचाओ, इससे हमें पैसे मिल जाएंगे। ओ भाग्यवान, अब हमें नारियलों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जल्द ही हम अमीर आदमी बनने वाले हैं, बस देखती जाओ। ओ लेकिन मनु को नहीं पता था कि भगवान ने अपनी कृपा इन्हीं नारियल पर की थी। इसके जरिए भगवान परीक्षा लेना चाहते थे। ओह, बड़ी अजीब बात है, कल तक तो ये नारियल छोटे छोटे थे, लेकिन आज ये बिल्कुल पके हुए लग रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है? सच? क्या ये सच में इतनी जल्दी पक गए हैं? हाँ, तुम्हें ऊपर जाकर इन्हें तोड़कर लाना चाहिए। जाओ इन्हें बाजार में बेच आओ। आज ही करना पड़ेगा, आज मन नहीं है। लेकिन नारियल पक गए हैं, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। नहीं, आज मेरा काम करने का मन नहीं है, और नारियल भाग थोड़े ही चाहेंगे, ये मैं कल करूँगा। खैर, क्या आज तक किसी आलसी आदमी से कोई काम करा पाया है? लेकिन जब मनु अपना आलसीपना दिखा रहा था, उसी रात धानु अपने बरामदे में बैठा था। दम दिदा, कितनी खूबसूरत रात है, ऐसी रातों में चमत्कार होते हैं, काश आज मेरे साथ भी कोई बढ़िया चमत्कार हो जाए, काश मुझे भी आज कुछ छप्पर फाड़ के मिल जाए। ये क्या था? क्या ये तो नारियल है, इतना पका हुआ है, इसमें तो बहुत मीठा पानी निकलेगा। वाह वाह वाह, दो नारियल, दोनों मेरे ही बरामदे में आकर गिरे हैं, अब तो दोनों मेरे हैं। चलो, मनु को पता भी नहीं चलेगा। तुम मेरे लिए क्या लाए हो? नारियल? हाँ भाग्यवान, ये दोनों मनु के पेड़ से गिरे हैं, ये हमारे बरामदे में आ गिरे थे। तो हमें उसे बताना नहीं चाहिए? क्यों, जो हमारे बरामदे में गिरा है वो हमारा है। जाओ ये दोनों नारियल तोड़ के ले आओ, मैं ठंडा नारियल पानी पीने के लिए आतुर हो रहा हूँ।
ये क्या है? ओ भगवान, ये तो सोने का सिक्का है। इस नारियल में तो एक सोने का सिक्का है। मुझे यकीन था कोई चमत्कार होगा। जल्दी दूसरा भी तोड़ो। दो नारियल में दो सोने के सिक्के, मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ। मुझे पक्का यकीन है कि उस पेड़ के हर नारियल में सोने का सिक्का है। जरा सोचो तो सही, अगर हमें वो सारे सिक्के मिल जाएं, तो हम अमीर हो जाएंगे। तुम देखती जाओ भाग्यवान, उस मनु को कभी पता नहीं चलेगा कि इन नारियल में क्या है। तुम्हें अपने चालाक पति पर बहुत गर्व होगा। अरे मनु, कितनी अच्छी सुबह है ना? हाँ धनु। लगता है तुम्हारे नारियल पक गए हैं। क्या तुम इन्हें तोड़ने वाले हो? पता नहीं, अभी काम करने का मन नहीं है। धनु भाई, मुझे नहीं लगता ये इन नारियल को कभी तोड़ेंगे। आपको तो पता ही है कि मेरे पति कितने आलसी आदमी हैं। चिंता मत करो, वैसे हर कोई नारियल के इतने लंबे पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता। शायद उसे डर लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं तोड़ कर ला सकता हूँ। और हाँ, अगर तुम चाहो मैं बाजार जाकर बेच भी आता हूँ और पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम करोगे? हाँ बिल्कुल, कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं पूरा पेड़ खरीद लेता हूँ। हाँ, तुम इतना सोच क्यों रहे हो मनु? मैं तुम्हारी परेशानी भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। नहीं, मैं पेड़ नहीं बेचूंगा। माफ करना, मेरे दादाजी ने लगाया था, तुम तो जानते ही हो। खैर ठीक है, लेकिन ये नारियल तुम किसी को नहीं दोगे, ठीक है? अब इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। चलो हाथ मिलाते हैं। इस तरह धानु और उसका परिवार आलसी मनु को लूटते रहे। धानु पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ कर लाता और उन्हें बाजार में बेचने का नाटक करता, लेकिन असल में वो उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता और सच में हर एक नारियल से सोने का सिक्का निकालता। और इस तरह मनु को धोखा देकर धानु और उसकी पत्नी अमीर होते चले गए। वो जादुई पेड़ नारियल देता गया, धानु उन्हें बेचता गया और उसका घर बड़ा होता चला गया। और जल्द ही वो पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। दूसरी तरफ मनु, जिसे कोई अंदाजा नहीं था, कुछ रुपए कमा कर खुश था जो उसे धानों से नारियल के बदले में मिलते थे। लेकिन मनु की बीवी बहुत समझदार थी। एक दिन धानु और उसकी बीवी इतने अमीर हो गए हैं, कैसे समझ नहीं आता। क्या पैसे आसमान से बरस रहे हैं? कड़ी मेहनत करता है। चलो भी, हमें दूसरे लोगों की किस्मत पे जलन नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी तरह की जलन नहीं है, लेकिन कौन सा काम? मैंने उसे कोई काम करते नहीं देखा सिवाय हमारे नारियल बेचने के। और सच में अब वो बहुत अमीर हो गया है, तो फिर उसे हमारे नारियल बेचने की क्या जरूरत है? लेकिन ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। जब से उसने हमारे नारियल बेचने शुरू किए हैं, तभी से वो अमीर हुआ है।
ये आलसी पना छोड़ो और जाकर देखो मनु। अरे एक बार तुम्हारे दिमाग में अगर कोई बात बैठ गई, तो भगवान भी उसे भुला नहीं सकता। ठीक है, आज रात चलकर देखते हैं। वो दोनों वहाँ हैं। चलो देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। चुप रहो, सुनो। मुझे लगता है अब हमें एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए, इस गांव से बाहर, शहर के आसपास। खरीद लेंगे, थोड़ा इंतजार करो मेरी रानी। पहले जाओ और जाकर नारियल लेकर आओ। जरा देखे तो सही कि आज हमने कितना कमाया है। ठीक है, तुमने देखा ये? हमारे नारियल में सोने के सिक्के हैं। यही तो मैं सोच रही थी कि ये ऐसे इतने अमीर कैसे बन गए। सच में? फिर तो ये सब हमारा है। मैं जाकर अभी देखता हूँ। धानो, धोखेबाज, तो इस तरह से तू अमीर बना है, मेरे नारियलों में से सोना चुरा कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो मनु। मैंने सब देख लिया है, झूठ मत बोलो। तुम्हारी सारी दौलत मेरी है, धोखेबाज। बकवास बंद करो और मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैंने तुम्हारे नारियल खरीदे हैं, तो उसके अंदर जो कुछ भी है वह मेरा है। नहीं, ये सब ठीक नहीं है। वो सारे सोने के सिक्के मेरे हैं। चिंता मत करो, तुम फिर से भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस रात उसने कठोर प्रार्थना की। काफी देर के बाद भगवान फिर से सामने आए। क्या हुआ मनु? मैं हमेशा इस तरह से नहीं आ सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। हे भगवान, आप मेरी मदद कीजिए। दानू मेरे सोने के सिक्के चुराता रहा है। मैं जानता हूँ, मैंने सब देखा है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारे आलसीपन के कारण हुआ है। जो हो गया सो हो गया। लेकिन भगवान। ठीक है, क्योंकि तुम एक भले आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम पूरी मेहनत से काम करोगे। वादा करता हूँ। तुम खुद अपने पेड़ों पर चढ़ोगे? हाँ भगवान, जरूर मैं करूँगा। लेकिन मैं उस चोर धानू को सबक सिखाना चाहता हूँ। चिंता मत करो, वो एक धोखेबाज है, उसे अपने किए का फल जरूर मिलेगा। उस रात। अब मनु मुझे अपने नारियल नहीं बेचेगा, अब से मुझे इन्हें चुराना पड़ेगा। भाग्यवान, जल्दी करो, मैं नारियल ले आया हूँ, जल्दी से तोड़ो इन्हें। यहाँ ले आओ। क्या हुआ, क्या हुआ? यहाँ यहाँ नारियल में तो बिच्छू है। हे भगवान, भागो भाग्यवान, अरे भागो भागो। नहीं, ऐसा मत करो, हमें इन बिच्छुओं से बचाओ। मनु। मैं ऐसा क्यों करूं? ये सब तुम्हारे नारियल में थे। लेकिन तुमने तो कहा था कि नारियल के अंदर जो कुछ भी है वह तुम्हारा है ना? अलविदा धानु, बिच्छुओं के साथ मजे करो। धानु और उसकी बीवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। बिच्छुओं ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन जब वो चले गए, उन्होंने मनु से जाकर माफी मांगी और उन्होंने अपनी दौलत को उनके साथ बांट लिया। दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे।
और जब उनके पास काफी धन हो गया